और अगर इन्वेस्टमेंट आए तो भाई मैनपुरी क्यों अधूरा रहे। अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मैं तो सरकार से कहूंगा कि 50,000 यहाँ मिल जाना मैनपुरी, जो सहयोग चाहोगे वो सहयोग हम करेंगे। पहले डबल इंजन कोविड फिर दोबारा आ रहा है, देखिए ये ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो इनके डब्बे खाली हैं। इंजन चेन्नई तेल तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है, धान कितना खरीदा गया है, DAP का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, महंगी बिजली दे रहे हो, आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए। मैनपुरी को मॉडल इमरजेंसी है, ये दौर से अब जो हम रोजगारी है चरम सीमा पर, महंगाई है। और जब मैं चुनाव के बाद मिला था तो मैंने कहा था न्याय भी मिलना मुश्किल है। अगर हम तो एक पद पे हैं, मान लीजिए मैं अगर किसी विधायक से मिलने जाता हूँ तो सरकार क्या कहती है, क्या इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इरफान से मैं मिलने कानपुर गया, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, महाराजगंज। मैं मान लीजिए महाराजगंज मिलने जाऊँगा तो फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस सरकार में कोई न्याय की उम्मीद ना करे कोई भी। इन्वेस्टमेंट आए, और अगर इन्वेस्टमेंट आए तो भाई मैनपुरी क्यों अधूरा रहे। अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मैं तो सरकार से कहूँगा कि 50,000 यहाँ मिल जाना मैनपुरी, जो सहयोग चाहोगे वो सहयोग हम करेंगे। पहले डबल इंजन कोविड फिर दोबारा आ रहा है, देखिए ये ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो इनके डब्बे खाली हैं। इंजन चेन्नई तेल तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है, धान कितना खरीदा गया है, DAP का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, महंगी बिजली दे रहे हो, आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए। मैनपुरी को मॉडल इमरजेंसी है, ये दौर से अब जो हम रोजगारी है चरम सीमा पर, महंगाई है। और जब मैं चुनाव के बाद मिला था तो मैंने कहा था न्याय भी मिलना मुश्किल है। अगर हम तो एक पद पे हैं, मान लीजिए मैं अगर किसी विधायक से मिलने जाता हूँ तो सरकार क्या कहती है, क्या इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इरफान से मैं मिलने कानपुर गया, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, महाराजगंज। मैं मान लीजिए महाराजगंज मिलने जाऊँगा तो फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस सरकार में कोई न्याय की उम्मीद ना करे कोई भी। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज TV। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।